subscribe our channel and press the bell icon and never miss any update from popbollywood.com. आई एम वेरी एक्साइटेड. करण और निशा हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं एंड वी आर वेरी हैप्पी टू बी हियर सेलिब्रेटिंग हिज सक्सेस. हिज सॉन्ग इज डूइंग वेरी वेरी वेल एंड माई बेस्ट विशेज विद देम ऑलवेज. लाइकवाइज. सो नॉट यू नो दे आर awesome. He's naughty. इससे पूछो ये रह के आई. हम तो पुराने खेत की भूली. ऐसा नहीं, हम भी हो गए पुराने. बिग बॉस इज एंटरटेनिंग. आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ बिग बॉस. मैंने कभी बिग बॉस देखा नहीं था जाने के पहले, तो एज अ कंटेस्टेंट लास्ट ईयर एक्सपीरियंस किया और एज अ व्यूअर इस साल एक्सपीरियंस कर रही हूँ. आई एम हैविंग फन. मेरी राखी सावंत फेवरेट है. बिकॉज सीरियसली शी इज़ वेरी एंटरटेनिंग. बट गेम पॉइंट ऑफ व्यू आई रियली लाइक राहुल्स गेम. ही इज़ वेरी टू द पॉइंट. आई लाइक रूबीना. शी इज़ ऑल्सो वेरी सॉर्टेड एंड शी इज़ कमिंग अक्रॉस एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. जैस्मिन अली एजाज बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं घर पर. देखिए हमारा, मैंने पर्सनली तो बिग बॉस के घर में भूत देखा नहीं, पर हमारे सीजन में भी ऐसी घटना हो चुकी थी, तो ये होता है. होगा कोई भूत तब आई थिंक एपिसोड देख के पता चलेगा क्या हुआ. बट आई एम वेरी इंटरेस्टेड टू नो क्या हुआ ऐसा राखी को. आई थिंक दे आर अडोरेबल टुगेदर एंड दे आर वेरी गुड फ्रेंड्स जैसे वो कहते हैं. और मुझे एज एन ऑडियंस उनको देख के बहुत अच्छा लगता है. उनके मोमेंट्स बहुत स्वीट और क्यूट मोमेंट्स होते हैं घर में. वेरी सॉर्टेड. बहुत मुश्किल गेम है बिग बॉस. अच्छे अच्छे रिलेशनशिप्स टेस्ट करता है और बींग हस्बैंड वाइफ एडवांटेजेस बहुत होते हैं और डिसएडवांटेजेस भी बहुत होते हैं. बट वो अच्छे से खड़े उतर रहे हैं, मतलब उनका फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग है रिलेशनशिप का. ये देख के अच्छा लगता है. आई हैव नो आइडिया. विकास इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड. मुझे बहुत बुरा लगा था जब वो घर से निकल गए थे, बट अब मैं बहुत खुश हूँ कि वो घर के अंदर वापस आ चुके हैं. तो विकास बहुत इंटेलिजेंट है. अर्शी भी पुरानी खिलाड़ी रह चुकी है, तो आई थिंक जो भी होगा ऑडियंस को बड़ा मज़ेदार लगेगा. राहुल महाजन के बारे में क्या? राहुल के साथ तो मैं काम भी कर चुकी हूँ. हमने एक डांस रियलिटी शो किया था साथ में. ही इज़ वेरी स्वीट और बहुत ही एंटरटेनिंग है एंड ही हैज़ बीन एंटरटेनिंग इन द हाउस. बहुत अच्छा कर रहे हैं ना दोनों. दे लुक सो क्यूट टुगेदर. आई ऑलवेज विश देम वेल. मैं सॉन्ग कर चुकी हूँ. 18 साल पहले बहुत गाने किए थे मैंने. आई थिंक आई एम डन विद दैट. आई स्टार्टेड दैट. बस यही कहना चाहूँगी कि आई एम विशिंग यू अ मेरी क्रिसमस एंड लॉट्स ऑफ गुड विशेज फॉर द कमिंग न्यू ईयर. लेट्स होप ये कोरोना वायरस पेंडेमिक जल्दी से ख़त्म हो जाए एंड विशिंग यू अ वेरी हैप्पी एंड अ प्रॉस्परस 2021. थैंक यू. थैंक यू.